मैं टॉप रिपोर्टर में आपका स्वागत करती हूँ. मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मैं हूँ प्राची अग्रवाल, मिसेस एशिया इंटरनेशनल 2017 एंड मिसेस इंडिया 2017. ओके मैम, तो आज इस इवेंट में आप आई थी, तो ये इवेंट कैसा था, कैसा लगा? ये इवेंट जो था आज मैंगो मेनिया, ये एक कुकिंग कॉम्पिटिशन था और इसमें डिशेस सर्व की गई थी, बनाई गई थी मैंगो से. मैंगो का सीज़न है और इसमें विमेंस का आर्ट ये देखा गया, कुकिंग आर्ट एक देखा गया. जैसे एक विमेन है, उसने मैंगो से 11 डिशेस बनाई थी, तो एक फ्रूट से इतनी सारी डिशेस बनाना, तो इस तरीके से जो एक आर्ट है विमेंस में छुपा हुआ, ये ऊपर आता है. साथ ही साथ मुझे ये इवेंट एक ये भी मैसेज देता हुआ लगा कि आज जैसे आजकल विमेंस वर्किंग हो गई है, सो दे डोंट प्रिफर कुकिंग, राइट? तो मैं ये विमेंस को एक ये मैसेज देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि कोशिश कीजिए कि अपने घर में एटलीस्ट एक टाइम आप कुक करें, क्योंकि जब हम कुक करते अपनी फैमिली के लिए, तो हम वो खाना पकाते समय उसमें स्पाइसेस के साथ साथ हम अपने इमोशंस भी उसमें होते हैं कि हमारे घर के लोग अच्छे से खाने चाहिए ये जो मैं बना रही हूँ. आफ्टर बीइंग एशिया इंटरनेशनल भी मैंने कुकिंग घर पे नहीं छोड़ी है, आई स्टिल कुक फॉर माई फैमिली. या तो मैं यही बोलना चाहूँगी सारे विमेन से कि आप बिल्कुल घर में अपने लोगों के लिए कुक कीजिए, क्योंकि आप कुक नहीं कर रहे, आप अपना प्यार दे रहे हैं. कितना टफ रहा है ये कॉम्पिटिशन को जज करना? हाँ, बहुत बहुत सारी, जैसे बताया तो टेस्ट वाइज तो ऐसा था कि किसी को भी हम लीव नहीं कर पाए, बहुत ही बढ़िया था. उसके बाद में विमेंस ड्रेस कोड में भी आई थी, येलो कलर का उन्होंने आउटफिट पहना था, तो अलग अलग कैटेगरीज़ में जज किया गया, जैसे किस तरीके से प्रेजेंट की गई डिश, उसके बाद में उसका टेस्ट, और साथ ही साथ विमेंस ने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया उस तरीके से, तो बहुत अच्छे अच्छे नए डिशेस भी आज देखने मिला हमें यहाँ. गुड इवनिंग सर, टॉप रिपोर्टर में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ. सर आज के इवेंट के बारे में बताइए. आज का इवेंट जो है वो मैंगो मेनिया, एक कुकरी कॉम्पिटिशन, अपने आप में एक अनोखा और छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये पहला ऐसा पाक कला प्रतियोगिता थी जिसमें सिर्फ मैंगो को फोकस करके, क्योंकि मैंगो जो होता है वो नेचुरली महाराजा होता है फलों का, ऐसा बोला जाता है कि किंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसका एक कॉम्पिटिशन हमने यहाँ पर सोचा. काफ़ी इनोवेटिव यहाँ पे लोगों ने रेसिपीज से बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बना के लेके आए, जो पौष्टिक तो थे ही थे, स्वादिष्ट तो थे ही थे, पौष्टिक भी बहुत थे, और साथ में उन्होंने उसके आप इनोवेशन सोचिए कि मैंने एक दो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने उनके देखे कि मैंगो का गुलाब जामुन, वो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में खाया. ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंगो से रिलेटेड यहाँ पर लोगों ने देखी, लोगों ने पसंद की और बहुत उनको मज़ा आया. उन्होंने हमारे जजेस के लिए बहुत टफ कंपटीशन दिया था, जजेस भी बेचारे बहुत परेशान थे किसको प्राइज़ दें किसको प्राइज़ नहीं दें. उसके अलावा लोगों ने डिमांड करी कि हर साल हर वर्ष ये मैंगो के सीज़न में आप ये प्रतियोगिता रखाओ. देखिए दिन पे दिन लोगों का घर से रुझाव कम होता जा रहा है, कुक खाना बनाती है और अच्छा बन रहा नहीं बन रहा, मोनोटोनस होता है खाना, कोई रोटी चावल खा रहे हैं, तो उससे कहीं हट के एक ऐसा प्लेटफॉर्म महिलाओं को मिला जिसमें आज प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया. मैं धन्यवाद देता हूँ टॉप रिपोर्टर्स को जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हर इवेंट में हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर. थैंक यू सो मच. इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए टॉप रिपोर्टर चैनल को.